स्टार्ट कीजिए, लूसेंट से स्टार्ट कीजिए। अगर उसके बाद आपके पास ज्यादा टाइम है, ज्यादा सक्षम है और पढ़ सकते हैं, इतना से मन नहीं भर रहा है, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए ना, क्राउन स्टार्ट कीजिए और भी बहुत सारी बुक है, कंपटीशन का बुक है, सारा स्टार्ट कीजिए। उसके बाद सब स्टार्ट कीजिए। सबसे जरूरी चीज है कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप, उसमें कंटिन्यूटी जरूर, बहुत कंटिन्यूटी बहुत मायने है। कंटिन्यूटी रहेगा कोई भी एग्जाम सफल हो जाएगा। सफल। हेलो दोस्तों, चलिए तो आप लोग का बहुत सारा सवाल रहता था कमेंट में, आप लोग कमेंट करके कमेंट पूरा भर दिए कि भैया थोड़ा रिटर्न के बारे में बताइए कि बिहार पुलिस की रिटर्न की तैयारी कैसे करें। तो चलिए, इस बार का जो सिलेबस है, पहले जो सिलेबस था उससे अलग हो गया है, ठीक है। तो ये भी जानकारी आपको हो जानी चाहिए कि इस बार का सिलेबस चेंज हो गया है, मतलब आप लोग के लिए, सभी लोग के लिए काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा सिलेबस है। क्योंकि हम लोग का जो समय था उस समय इंटर लेवल का क्वेश्चन था, काफ़ी हार्ड लेवल भी पूछा जाता था, मगर इस बार का जो लेवल है वो 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा। इस बार 10th लेवल का पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग एकदम निफिक्र रहिए कि ये 10th लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, काफ़ी हल्का पूछेगा, ठीक है। उसको पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या क्या है वो बताते हैं, कहाँ कैसे आप तैयारी करना है रिटर्न की, ठीक है। हम लोग भी जितने भी सभी लोग हैं, हम लोग भी मतलब क्या चीज़ से तैयारी किए थे बिहार पुलिस की, और भी सारे एग्ज़ाम होते हैं, वो उस ऐसा बुक है जो उस बुक से हर एक चीज़ की तैयारी हो सकती है। भले ही आप कोई भी बुक पढ़ ले, लेकिन उसको नहीं छोड़ना है। जो बुक के बारे में आज बताने वाला हूँ, वो बुक आपको नहीं छोड़ना है। भले बहुत सारा बुक है, सभी पढ़िए, सब जानना जरूरी है, मगर वो एक ऐसा बुक है जिससे आपको सारे क्वेश्चन होते हैं वो लगभग सब मिल जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज उसी के बारे में बताता हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पूरे लास्ट तक देखिएगा, रिटर्न के बारे में अच्छे से बताऊँगा, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और बिहार पुलिस का रिटर्न भी अच्छा से निकल जाएगा, ठीक है। और ये बात है कि इस बार का जो रिटर्न है काफ़ी हल्का हो गया, उसके बाद सीट इतना ज़्यादा है कि मेरिट इस बार लो जाएगा, यानी जो पहले गया है, हम लोग के समय जो गया था रिटर्न का जो रिजल्ट आया था उससे काफ़ी ज़्यादा कम आएगा, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है तो मेरिट कम आएगा। और उसके बाद भी 10th लेवल का कर दिया है, तो मतलब अच्छी बात है कि आप लोग का जो भी पढ़ाई किए हैं 10th लेवल का पूछेगा तो आराम से आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं कि रिटर्न की तैयारी कैसे करें। देखिए ये बुक है जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, हमने भी तैयारी की है, ये लोग भी तैयारी किए, बहुत सारे लोग हैं जो लूसेंट का मतलब लूसेंट को छोड़ना नहीं है, आप कोई भी बहुत सारे बुक है जो पढ़ते हैं सभी लोग, मगर लूसेंट एक ऐसा बुक है जो आप अगर दरोगा तक तैयारी कर रहे हैं, BPSC के PT तक, ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है, मतलब अच्छा तैयारी करा देता है। और ये ऐसा बुक है जिसमें इतना क्वेश्चन रहता है ना, इतना मतलब देखने में काफ़ी छोटा है बुक, लगेगा कि बहुत कम है, लेकिन इसमें बहुत है, बहुत समुद्र है, इसको समुद्र कह सकते हैं, इसको पढ़ने में मतलब बहुत, इसको बार बार पढ़ा जा सकता है मगर ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसको पढ़िए, ये बहुत अच्छा बुक है। और जो इसका सिलेबस है, देखिए कोई भी चीज़ का, जो भी कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा है, SSC CGL हो, SSC CHSL हो, MTS हो, चाहे कोई भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, उसका सबसे पहले आपको क्या देखना है, सिलेबस। अगर आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप तैयारी कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए बिहार पुलिस का है, बिहार पुलिस की आप तैयारी करें, मन में है कि हमको बिहार पुलिस की जॉब करना है, जानना है कि हमको बिहार पुलिस का तैयारी करना है, इसमें पूछा क्या जाता है आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इसमें पूछा क्या जाता है आप जानिएगा नहीं। देखिए बिहार पुलिस का है, इसमें क्या पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इसमें GK GS मायने है। मैथ रीजनिंग आप ना भी पढ़िएगा, ना के बराबर, मैथ रीजनिंग इतना है कि 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि काफ़ी लो पूछा जाता है, आप आराम से बना दीजिएगा। मान लीजिए इसमें मैथ रीजनिंग बहुत कम पूछा जाता है, आप बार बार खाली जब भी पढ़ने बैठिएगा मैथ रीजनिंग बनाइएगा, उसमें टाइम लॉस कीजिएगा। तो वो तो है कि मैथ रीजनिंग अच्छा है, 5 से 6 क्वेश्चन पूछेगा तो आप 5 से 6 बना दीजिएगा, मगर 5-6 मैथ रीजनिंग से तो आपका रिजल्ट आने वाला है नहीं। तो इसका सिलेबस सबसे पहले जानना है कि सिलेबस क्या है। इसमें बिहार पुलिस में सिलेबस ये है कि आपको हर एक मतलब जितने भी है सभी जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा जगह, मतलब लूसेंट अगर पढ़ लेते हैं ना, पूरा लूसेंट, विविध हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, ये सब पूरा पढ़ जाना है। जैसे देखिए हिस्ट्री पूछा जाता है, ज्योग्राफी पूछा जाता है, संविधान पूछा जाता है, ये तीनों काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। साइंस में तीनों पूछा जाता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तीनों पढ़ लेना है। फिजिक्स है और बायोलॉजी है, उस पर थोड़ा ज़्यादा करना है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। उसके बाद हो गया विविध, विविध से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, विविध से भी पढ़ लेना है, प्रथम कौन था उसके बारे में पढ़ लेना है, वर्तमान में कौन है, करेंट अफेयर्स भी पूछता है 5-6 क्वेश्चन, ठीक है, तो ये पढ़ लेना है। तो मतलब देखिए सबसे पहले ये होता है
कि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं मगर सिलेबस ऐसा होता है कि आप लोग नहीं जान पाते हैं। मान लीजिए आप कर रहे हैं दरोगा की तैयारी, ठीक है, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, जी के जी एस ज़्यादा, मैथ बहुत कम पूछा जाता है, 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लिया जाए आप उसमें मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, जी के जी एस पूछा जाता है, इंग्लिश, इंग्लिश हाँ दरोगा में इंग्लिश बहुत कम है, आप इंग्लिश उसमें खूब पढ़े जा रहे हैं, खूब पढ़े जा रहे हैं, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा तेज हो गए, पढ़ने में खूब है मगर हमको तो नौकरी लेना है, ना कि हमको इंग्लिश में बहुत महान बनना है पढ़ के नौकरी लेना है। आज इंग्लिश की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको तो इंग्लिश पढ़ने से आपकी नौकरी नहीं हो सकती। इंग्लिश कहाँ, हमको कहाँ पढ़ना है, इंग्लिश CGL की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको काम देगा। आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश पढ़िएगा तो होगा नहीं, तो वही चीज़ पढ़ना है जिससे हमको जॉब हो जाए, ये नहीं कि ज्ञानी बनना है, वही चीज़ पढ़ना है जिससे जॉब हो जाए। लोग तो बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन बहुत लोग होता है कि बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं और जो मतलब 2-3 साल पहले से तैयारी कर रहा है वो जॉब ले लिया, बहुत लोग बैठे हुए हैं कि नहीं, किसी की तैयारी करते हैं तो उसको आप मतलब बढ़िया से देख लीजिए कि सिलेबस कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब हम अपने बारे में तो बता दिए कि मतलब पढ़ने कैसे हैं, ठीक है, मेरे साथी लोग हैं जो हम लोग के साथ ज्वाइन किए हैं, इन लोग से भी कुछ पूछा जाता है, ये भी कुछ अपने बारे में कुछ बताएंगे कि ये भी कैसे तैयारी की, अपना अनुभव बताएंगे, अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं। चलिए बताइए सर, आप लोग भी कुछ बताइए। बात ऐसी है कि सबसे पहले जॉब के लिए हम लोगों को, अब जॉब लेने के लिए वो स्टडी का जरूरत नहीं होता है, जो जैसा कि अभी आप लोगों को बताए, सर बता रहे हैं कि स्मार्ट स्टडी करना है हम लोगों को, और स्टडी से जॉब किसी को नहीं मिलता है। पढ़ा लिखा बहुत लोग गांव में शहर में घूम रहा है, पढ़ा लिखा बहुत लोग, स्मार्ट स्टडी कीजिए, सबसे पहले सिलेबस पकड़िए, बिल्कुल किस चीज़ का क्या सिलेबस है सर बता रहे थे अभी, सिलेबस पकड़िए, कम पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ज़्यादा पढ़ के बेरोजगार रह सकते हैं, कम पढ़ के भी जॉब ले सकते हैं आप, बिल्कुल क्या सर सही बात है, बिल्कुल है, जॉब में आने के लिए पढ़ाई में कंटिन्यूटी, हम भी जाकर लूसेंट ही पढ़ते थे, सबसे पहला किताब अगर कोई पढ़ाई स्टार्ट करता है उसको लूसेंट बताइए, बताते हैं बार बार, हर कोई भी चीज, कोई भी अगर रीजन से संबंधित होता है हम लूसेंट के बारे में बताते हैं, कोई भी जो भी अभी दरोगा पे जितने भी हमारे लोग बहुत साथी है जो दरोगा में हुए हैं तो वो पहले आपको बताएंगे कि लूसेंट पढ़िए, आप बहुत सारे बुक है पढ़िए, क्यों नहीं सब बुक पढ़िए मगर लूसेंट को छोड़ना नहीं है, लूसेंट आपका जड़ है, होता है ना जड़, वो है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको पकड़िए। चलिए बताइए, आप बताइए, वहीं से स्टार्ट कीजिए, लूसेंट से स्टार्ट कीजिए, अगर उसके बाद आपके पास ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा सक्षम है और पढ़ सकते हैं, इतना से मन नहीं भर रहा है, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए ना, क्राउन स्टार्ट कीजिए और भी बहुत सारे बुक है, कंपटीशन का बुक है, सारा स्टार्ट कीजिए, उसके बाद सब स्टार्ट कीजिए। सबसे जरूरी चीज़ है कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप उसमें कंटिन्यूटी जरूर, बहुत कंटिन्यूटी बहुत मायने है, कंटिन्यूटी रहेगा कोई भी एग्जाम सफल हो जाएगा। जैसे वैकेंसी के हिसाब से आप लोग अब 21,000 जो वैकेंसी आ रहा है उसका तैयारी कर रहे होंगे, हम लोग 8400 का किए थे जी। तो बात ऐसा है कि वैकेंसी जितना ज़्यादा है उसको छटैया उतना कम करना होता है, जैसे 21,000 वैकेंसी है तो उसको अब 21,000 के लिए अब देना है रिजल्ट, तो उसमें इतना आप कन्फर्म रहिए कि आप लोग क्वेश्चन पैटर्न आसान करेगा, कहे कि छाटना टेंथ लेवल का हो गया इस बार, पहले 12th था, क्वेश्चन काफी हार्ड रहा था, मान लीजिए 21,000 की जगह 1,000 वैकेंसी दे देता, उसको छाटना है उतना, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन उठा के टाइट देता। हम लोग के समय में 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था पिछले बार, उस एग्जाम में जिस शिफ्ट में हम एग्जाम दिए थे उसमें मैथ का क्वेश्चन तो ऐसा था हवा नहीं लगने दे रहा था, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन इंटर से दे दिया था, पढ़े भी थे उसके बाद भी लग रहा था कि क्वेश्चन आधा दिया, आधा डाटा के साथ क्वेश्चन कहाँ से पूरा होगा, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए, इस बार आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा देगा कि अगर पढ़े हैं तो बन जाएगा। मतलब बस टाइम है ना, जो आप टाइम थोड़ा बहुत दे रहे हैं, 10th लेवल का इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप थोड़ा सा भी अच्छा से टाइम, अगर मन से अगर दिल से चाह रहे हैं कि इस बार हमको जॉब करना है तो बिल्कुल आपको इस बार जॉब होगा, कोई नहीं रोकने वाला है, इससे बढ़िया मौका भी नहीं आएगा सर फिर इससे, हाँ इसके बाद कोई मौका भी नहीं आएगा, बहुत ज्यादा वैकेंसी है, 21,500 वैकेंसी है, यानी इसका 5-6 गुना रिजल्ट दिया जाता है रिटेन का, 110,000 के आसपास, समझ रहे हैं, 110,000 आपके पास क्षमता होगा, आराम से निकाल लेगी, अच्छा नंबर रहेगा, 21,000 नहीं 1,25,000 में आ जाइएगा, अगर आपका फिजिकल है आप कन्फर्म जॉब ले लीजिएगा। हाँ ये ऐसा जॉब है बिहार पुलिस, इसमें फिजिकल भी आपको साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करनी होगी, बहुत सारे जॉब है जिसमें आप रिटर्न करके आप अच्छे जॉब पा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको फिजिकल की भी तैयारी साथ साथ फिजिकल भी तैयारी करनी है, इसमें बहुत मायने है। तो आप लोग को बढ़िया से आप लोग हमारे साथी लोग भी सर लोग भी बता दिए, हम भी बताए कि किस तरह से आपको रिटर्न की तैयारी करनी है। मान लिया जाए आप बिहार पुलिस की तैयारी करें, अगर आपका रिटर्न अच्छा है तो आप जॉब में रहकर भी बहुत जल्द दरोगा ले सकते हैं, दरोगा से BPSC कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई आपको कहीं भी छोड़ना नहीं है, पढ़ाई अगर आपके पास है तो आपके पास
हर वो जॉब होगा जो आप सोचेंगे। पहले तो पढ़ाई करना है, मगर आप बिहार पुलिस के लिए सोच रहे हैं तो आपको फिजिकल की भी तैयारी साथ साथ करनी है। बात तो, सही है। हम लोग अभी ट्रेनिंग टाइम में है, ट्रेनिंग टाइम में टाइम नहीं मिलता है, फिर भी बहुत लोग पढ़ने वाले हैं, आप लगातार पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं छोड़ा है। अगर ट्रेनिंग टाइम में पढ़ाई नहीं छोड़ा, कंटिन्यूटी जैसा कि सर बता रहे थे, कंटिन्यूटी बनाए रह गया, कोई नहीं रोकेगा उन लोगों का रिजल्ट, चाहे दरोगा में हो या सोच लिए वो करना है, छोड़ना नहीं है, होना ही है उसको, छान लो सब मुमकिन। चलिए, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, और जो हम लोग ने बताया, जो सर लोग ने बताया, वो फॉलो कीजिए। आपको इस बार रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है, काफ़ी ज़्यादा सीट है, समझे। और जो हम लोग ने बताया वो चीज़ पढ़िए, लुसेंट को पढ़िए, मतलब इस बार का 10th लेवल का है क्वेश्चन, तो काफ़ी मधनिषेध का, अगर इससे पहले अगर आप एग्जाम दिए होंगे, फायरमैन का दिए होंगे, उस टाइप का इस बार क्वेश्चन पूछने वाला है बिहार पुलिस में, काफ़ी लो लेवल का क्वेश्चन रहेगा। 10th लेवल का जानते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहता है। लास्टली और बताइए, सिलेबस, बस सबसे पहले सिलेबस किसी भी चीज़ का सिलेबस, फालतू में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, टाइम उतना ही देना है जिससे हमको जॉब हो जाए, जितना जरूरी है, पर बहुत रहे मगर जॉब नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि आप जो पूछा जा रहा है वो ना पढ़ के दूसरा चीज़ पढ़ रहे हैं, हमको तो महान मतलब पढ़ के ज्ञान ही नहीं बनना है, बस जॉब लेना है, बेरोजगारी खत्म करनी है, तो बस आप वही पढ़ें जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।